हिमाचल प्रदेश में ठंड चरम सीमा पर होने के चलते स्वाइन फ्लू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक डॉक्टर को स्वाइन फ्लू होने की बात सामने आई है। डॉक्टर अस्पताल से ही पीजी कोर्स कर रहा है। लक्षण नजर आने के बाद जब डॉक्टर का टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आईजीएमसी अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनकराज का कहना है कि स्थिति ठीक है और मरीज का इलाज चल रहा है। प्रशासन ने एहतियातन तौर पर तैयारी कर ली है। स्वाइन फ्लू के मरीजों को रखने के लिए आइसोलेटेड वार्ड बना दिए हैं। और अगर किसी व्यक्ति को जुकाम, बुखार, नाक बहना, खांसी जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी द्वारा इस बीमारी से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। ऐसा है कि सन 2020 में अभी तक हमने 48 मरीजों की स्वाइन फ्लू की संभावना के चलते जांच की है, जिसमें 3 मरीजों के अंदर स्वाइन फ्लू के वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसकी रोकथाम की बात है, जैसे पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि ये एक वायरल डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इमीडिएट कॉन्टैक्ट में छींकने, खांसने, हाथ मिलाने से या किसी भी बॉडी फ्लूइड को टच करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। अभी तक जो उनकी जो हिस्ट्री हमारे सामने आई है उस हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी मरीज से कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ही उनको जो इस तरह का कि स्वाइन फ्लू की जो बीमारी है वो शरीर में उनके प्रवेश की है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।